बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कर लिया था। इस लेक्चर में इसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं हम, जो कि पार्ट नंबर 6 में इधर सिर्फ राइट डाउन कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि इसको करना कैसे है। करना आपने खुद ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, ऑब्वियसली आपको ये करना चाहिए। तो इसको देखें, 3x² + 8x + 2 = 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आपने बदलना, आपने सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करनी है और इसको कैलकुलेट कर देना। क्लियर हो गया? सो ये जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे खुद। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल, या इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। ये ले जी, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 / (x - 6 - 4 / (x - 5) = 1। सॉल्यूशन करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, आपने एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के, जैसे लास्ट मैंने बताया था। हाँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व। आपने एक दो क्वेश्चन लिखे, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखे, आगे आपने सॉल्व करना। सबसे पहला क्या देखना होता है, शाबाश, हमें ये देखना होता है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहला काम क्या करेंगे हम इसकी बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा था, याद है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी। तो उस क्वेश्चन को माइंड में रखें और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करें इसको। सो क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे या फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो मैंने आपको इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करके करवाया था, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट तमाम टर्म्स को, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। सो ये आपके पास आ जाएगा x - 6 × (x - 5)। ये फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और फिर इस एलसीएम को सेकेंड टर्म से भी कर देंगे, वो है 4 / (x - 5) = ये आपके पास 1 है। तो इसके साथ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x - 6 x - 5 को। आप सिंप्लीफाई करें तो ये आप अगर देखें यहाँ पे x - 6 से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x - 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो x - 5 कैंसिल, x - 6 बचेगा, उसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 है तो ये एज इट इज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 3x - 15, मैंने उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 3 को अंदर। इसी तरह से यहाँ पे ये इक्वल, जी 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं। ये आपके पास 3x माइनस 15, 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह ये आ गया माइनस, इस 4 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं अंदर, तो ये आपके पास आएगा 4x माइनस 24। अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई थी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बाहर ये माइनस है, तो माइनस आपको पता है जहाँ भी आ जाए वो अगली तमाम टर्म्स का साइन बदल देते हैं। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली फ़िलहाल। उसके बाद इवन को मल्टीप्लाई करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इस माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स के माइनस 5x। उसके बाद 6 को लें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो ये आ जाएगा माइनस 6x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30। सो ये आ जाएगा 3x माइनस 15, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस। सो इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 6, इसको मैं यहाँ पे ये इक्वल की साइड पे देखें तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 5 कितना हो गया 11x प्लस 30। सो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, याद है? हाँ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, और कितने गया है जी, वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को मूव कर देंगे दूसरी साइड पे। अब यहाँ में देखने से आप और भी कर सकते हैं वैसे आप पहले, कि उसमें से माइनस 4 तो ये 3x गया, तो ये माइनस का रह गया x। इसी तरह से 24 था 15, उसमें से आप माइनस करेंगे, प्लस का 24 माइनस का 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30। तो ये 24 4 5 9। लो जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर बचा 0, मैं उस सारी टर्म्स को इधर ले आता हूँ, ये एज इट इज़। यहाँ से मेरे पास ये माइनस एक्स था, इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया प्लस एक्स। इसी तरह से ये इधर प्लस हो रहा है 9, इसको उधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9। सो ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 11x, ये वाला है, और ये प्लस का x है माइनस का 11x है, तो ये आ गया 10x प्लस 9, तो ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 30 है माइनस का 9 है, तो ये आपके पास आ गया 21। लो जी, अभी हमें 0 चाहिए इस साइड पे, तो हम इक्वल के इस साइड पे 0 लिख लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 21 इक्वल टू 0। लो जी, अभी ये आपके पास क्या होगी, ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये हमने सारा प्रोसेस कर लिया, किस लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों ज़रूरी थी, हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब तक क्वाड्रिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। सो दैट्स वाई फर्स्ट वी change into its standard form. Now we using quadratic formula. So using quadratic formula for solving, ठीक है। यहाँ पे अब आपको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। माइनस बी है प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और ये इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। लो जी, अब सिंपली आपने क्या करना है सिर्फ ए बी सी की वैल्यू हेयर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -10 है एंड c इज इक्वल टू 21 है। वैल्यूज़ के बारे में डिटेल से आपको मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं समझ आई तो वो लास्ट लेक्चर आप मेरा देख लें। तो अब क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे a है जहाँ पे b है b की वैल्यू पुट कर दे -10, इधर भी -10, इधर आपके पास आएगा 1, इधर आएगा 21 और इधर भी आ जाएगा 1। सो इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपने खुद से करनी है, बहुत सिंपल है। इससे सारे क्वेश्चन मैंने करवाई है तो इसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी है आपको। सो ये आपको खुद करना चाहिए, आप लेक्चर को पॉज करें और इसको जो है बल्कि आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।